इसमें 5.4 का जो परसेंट वो भी कर सकता है। तो वेलकम बैक टू द प्राइवेट गेम में आपका स्वागत है। तो गाइस आपको सामने देख के तो पता चल ही गया होगा, यह गाइस आज होने वाला है KTM Duke 250 की जो ब्लैक जो नया कलर आया तो काफी अच्छा पैरा कलर है इबोनी ब्लैक। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली गाइस KTM ने जो है वो ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया है। इसके पहले गाइस KTM ने आर्च में ब्लैक कलर लॉन्च किया था, तो अभी डूब सेगमेंट में भी ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया जो काफी अच्छा प्यारा सा लग रहा गाइस, और ऑल टाइम सबका फेवरेट है ब्लैक कलर। तो गाइस आई होप कि फाइनली लॉन्च कर दिया KTM ने ब्लैक कलर। तो गाइस ये जो कलर का नाम है इबोनी ब्लैक है, जो काफी प्यारा लग रहा है और काफी मस्त लग रहा है। इसी की दो कलर के कॉम्बिनेशन में किया गया है, मैट ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक। तो गाइस ज्यादा समय बर्बाद ना करते आपको फटाफट इसका रिव्यू देखते हैं, इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो गाइस मेन जो है जो हाईलाइट जो चेंज किया गया है, हाईलाइट TFT डिस्प्ले और बाकी भी जो चीजें है गाइस उसमें चेंज किया गया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, आपको पूरा वीडियो में पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंज किए गए। तो गाइस फटाफट शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू वीडियो, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो है TFT डिस्प्ले। तो गाइस मैं आपको कैमरा इसमें लगा देखना चाहूंगा। तो गाइस जैसे हम ऑन करते हैं तो 5 इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है, कलर वो भी तो काफी प्यारी है देख सकते हो गाइस। उसके बाद में गाइस इसमें जो है आपको जो क्विक शूटर दिया गया, क्लच भी दिया गया है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको पास की लाइट दी गई है, और यहाँ पे जो है हेजर सिस्टम दिया गया है जो काफी प्यारा है। उसके बाद में गाइस लेमिनेटेड बटन दिया गया, उसमें जो लाइट भी आती है, साथ में हॉर्न दिया गया और इंडिकेटर दिए गए, और राइट साइड में गाइस इंजन फ्यूल स्विच दिया गया है और स्टार्टर दिया गया है। तो गाइस आइए इसकी डिस्प्ले में जो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई वो देखते हैं और मोड देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है टाइम बताया गया है, यहाँ पे फ्यूल दिखाया गया है, फ्यूल कम इससे ब्लिंक हो रहे हैं, यहाँ पे RPM मीटर दिया गया है, न्यूट्रल मीटर दिया गया है, यहाँ पे ABS की जो लाइट वो बताई गई है, यहाँ पे स्पीड क्या है, कितना किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आपको वो दिखाएगी। उसके बाद में अभी फिलहाल रोड मोड पर सेट है तो वो दिखाया, और उसके बाद में गाइस फिर बैटरी जो स्पीड और ट्रिप ऑन वो सब की इन्फॉर्मेशन दी गई। तो गाइस मोड में आता तो गाइस दो मोड दिए गए, पहले तो अभी ये स्ट्रीट मोड पे जब इसे चेंज करेंगे तो ट्रैक मोड पे आएगी। जो ट्रैक मोड जो है आपको ट्रैक पे काम आएगा मोस्टली, उसमें काम आने वाला है नहीं, तो दो मोड उसमें प्रोवाइड किए गए। उसके बाद में गाइस हम बैक करते हैं, इसमें ABS दिया गया है, तो दो मोड दिया गया, इसमें एक रोड मोड है और एक सुपर मोटो मोड है। इसमें आपका पीछे का ABS जो है ऑफ हो जाता है। जब हम पीछे आते हैं तो और भी सारे फीचर्स दिए गए, तो वाइस बाइक इन्फॉर्मेशन में से आते हैं, फ्यूल रेंज दिया गया है, कूलेंट टेम्परेचर दिया गया है, बैटरी दी गई है, और बाकी जो किलोमीटर आपकी कितनी हुआ वो बताएगा, सर्विस का टाइम जो कुछ दिया गया, और वार्निंग दी गई है। तो भाई वार्निंग में अभी फिलहाल जो है दो वार्निंग है, एक तो स्टैंड फ्यूल कम है वो वार्निंग, और एक तो स्ट्राइड स्टैंड डाउन है वो वाला वार्निंग। पीछे आते तो भाई सेटिंग्स में देखते भाई, तो भाई जैसे हम फेवरेट में आते हैं तो फेवरेट में बस ये जो बाहर का जो डिस्प्ले है वो चेंज कर सकते हो, मतलब ये जो है थीम जो है चेंज कर सकते हो, तो वो गाइस फेवरेट में अपना आ जाता है। उसके साथ में गाइस हम और भी नीचे आते हैं, जो क्विक सिलेक्टर दिया है, जो ये नीचे के दो बटन है इसके ऊपर आप क्या आपको क्या आएगा, मतलब ये दबाने पे क्या सिलेक्ट वो आप चेंज कर सकते हो। इस कनेक्टिविटी दी गई है, कनेक्टिविटी में गाइस आपको जो है ब्लूटूथ और फोन पेयरिंग, हेडसेट पेयरिंग, हेडसेट आपके पास कौन सा वो टाइप दिए गए हैं। इसमें जो देख सकते हो एक कॉर्ड दिया गया और एक हमने ब्लूटूथ दिया हुआ, तो मोस्टली गाइस ब्लूटूथ यूज करते हैं, और क्विक शूटर प्लस दिया गया है, हालांकि इतना एक्यूरेट नहीं है। और गाइस शिफ्ट लाइट दिए गए, शिफ्ट लाइट इसका मतलब क्या गया मैं आपको मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे मैं स्टार्टर देता हूँ तो भाई जैसे मैं रेव करता हूँ तो भाई जैसे यहाँ पे जो रेड कलर का जो बैकग्राउंड आता है वो उसके लिए काम करता है शिफ्ट लाइट का, तो वो अभी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए जो है आपको 1000 किलोमीटर जो है ये करना पड़ेगा, बाइक राइड करनी पड़ेगी, तो जाके वो उसमें चेंज होगा। दो ऑप्शन उसमें आते हैं, उसके नीचे आते हैं तो गाइस क्लॉक और डेट दिया गया, आप ये कह सकते हो, और यहाँ पे किलोमीटर्स का दिया गया है, यूनिट और वो सब, नीचे फिर टेम्परेचर दिया गया है, बाकी सब दिया गया है। तो
ये सब इसमें दिया गया है गाइस, तो काफी अच्छा। जैसे कि मैंने आपको सिलेक्टर बताया था, क्विक सिलेक्टर जो इस जमाने पे जो आता है, ये जो कभी मोड्स आ गए तो ये क्विक सिलेक्टर हो गया। और जैसे वैसे बैक करते हैं तो ये दमन ऊपर करने का फिर भी वही आता है, क्योंकि दोनों में वही सीट की वजह से वही आ रहा है, इसको बोलते हैं क्विक सिलेक्टर। तो गाइस ये सारे फीचर्स दिए गए, और हालांकि ये पहला फीचर था, अभी और भी सारे फीचर्स आने बाकी है, तो गाइस लास्ट तक बने रहेगा। तो मेन जो फीचर था वो यही था, DFT डिस्प्ले, जो काफी अच्छी बात है। और गाइस हेजार्ड, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हेजार्ड भी आ गया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में गाइस अगर मैं की निकाल दूँ तो भी हेजार्ड ऑन रहता है, देख रहे हो की मेरे हाथ में है, और की से याद है तो गाइस इसमें वेव की दी गई, जो काफी अच्छी है। पुराना मॉडल मतलब चेंज हो गया पुराने की के हिसाब से। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तभी जाके गाइस हेजार्ड जो है ऑफ होगा, और जैसे बाइक ऑन होगी मैं इसे क्लिक करूंगा तभी जाके हेजार्ड ऑफ होगा। और गाइस उसके बाद सामने की तरफ आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, तो गाइस देख सकते हो DRL दिए गए जो काफी प्यारे हैं, सेम एज इट इज गाइस 390 के DRL दिए गए। हालांकि गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये 390 नहीं है, 250 है। तो गाइस पूरा सेगमेंट जो इनके जो बड़े भाई है उनसे लिया गया, जो काफी प्यारा लग रहा है, और LED DRL और सब, तो गाइस काफी पसंद आया। उसके नीचे गाइस हम आते हैं WP FX के सस्पेंशन दिए गए, जो काफी भारी अपसाइड डाउन है, जो काफी प्यारे है। ब्लैक कलर का मडगार्ड दिया गया है, यहाँ पे जो आता है देखो गाइस 320 mm की डिस्क दी गई है, ABS आपको दिया गया है, और अलॉय व्हील्स दिया गया। तो गाइस हम जैसे टायर के ऊपर आते हैं तो 110x70 इंच के टायर गए हैं, 17 इंच के जो स्टील ब्रेडेड टायर है, जो काफी अच्छे टायर जगह MRF की तरफ से। तो गाइस ऐसे हम इंजन की तरफ आते हैं तो देख सकते हो गाइस काफी प्यारा इंजन दिया गया है, 249.07 cc का इंजन दिया गया है, देख सकते हो LC4 से इंजन दिया गया है, तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई है इसमें। और हम पावर की बात करें तो 30 का पावर जनरेट करता है और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हम इंजन पे आते हैं तो देख सकते हो नीचे वो एग्जॉस्ट जो है अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है। तो भाई पहले जो आ रहा था एग्जॉस्ट पाइप को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, अभी एग्जॉस्ट पाइप को प्रोटेक्शन दिया गया, तो काफी अच्छी बात है, इससे हीट डिफ्यूजन में काफी अच्छी मदद होगी। तो भाई जैसे हम देख सकते हो साइड माउंटेड शॉक अब्सॉर्बर मिलता है, ऑफ साइड सस्पेंशन और स्विंग आर्म सबको है, काफी अच्छा प्यारा। उसमें आने पीछे आते हैं तो 240 mm की जो डिस्क दी गई है, उसके बाद में गाइस ABS दिया गया, तो काफी अच्छी बात है। तो गाइस हम टायर की बात करें तो 150x60 70 इंच का टायर गया, जो भी सेम स्टील ब्रेडेड टायर है MRF की तरफ से, काफी अच्छी बात है। और हम यहाँ पे आते तो एल्यूमिनियम चेसी दी गई, जो काफी प्यारी, जिससे काफी वेट जो है कम, काफी हल्की हुई गाड़ी, तो कंप्यूटर की वजह से हाइट भी थोड़ी कम हुई है। उसके बाद हम पीछे आते हैं, यहाँ पे टेलर दी गई है जो काफी प्यारी है, आप देख सकते हो यहाँ पे टी शेप में जो काफी प्यारी टेलर दी गई है, जैसे हम इसे ब्रेक दबाते कुछ इस तरह वर्क करती है। और गाइस हम पीछे LED इंडिकेटर्स दिए गए, यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट दी गई है, और यहाँ पे गाइस विंग्स दिए गए हैं। पहले यहाँ पे हगर था, वो हगर निकाल दिया गया है, क्योंकि पहले काफी कल उड़ने का उसके वजह से उनको उन्होंने हगर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ बताया गया है कि चेन की सीटिंग क्या होनी चाहिए, तो गाइस पहले ये नहीं था, अब ये दिया गया है, काफी अच्छी बात है, जो काफी अच्छी बात है गाइस। और कलर की ब्लैक बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्राफिक्स जो काफी अच्छी पहले ग्राफिक दी है, 250 इसमें फुल ब्लैक है गाइस, ग्लोसी ब्लैक है, और टैंक जो है वो मैट ब्लैक में है। यहाँ पे देखने तो गाइस हाई 250 जो है वो खाली येलो में लिखा गया है और ब्लू व्हाइट में लिखा गया, बाकी पूरी ब्लैक है, काफी प्यारा कलर है, काफी मस्त है। और टैंक की बात करें तो गाइस 15 लीटर की टैंक है, जो काफी अच्छी है, इनसफिशियंट है गाइस राइड के लिए। अब मिरर में देख सकते हो काफी मजा है, मतलब काफी अच्छा है मिरर्स भी। तो गाइस हम सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की इसकी सीट हाइट है, और सीट भी गाइस काफी कंफर्टेबल है, मैं उसके ऊपर आपको बैठी दिखाता हूँ। हालांकि गाइस मेरी हाइट जो है 5.8 है, मैं आराम से इसे राइड कर सकता हूँ। गाइस इसमें 5.4 का जो पर्सन है वो भी खाली आराम से राइड कर सकता है, हल्का सा टिप तो होगा, जैसे कि हमारे राइडर का दूसरा है वो भी आराम से इसे राइड कर लेते हैं। तो गाइस इसके बारे में रील बना के दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये देख सकते हो अभी 5.8 तो इसे आराम से राइड कर सकता है, जो काफी ईजी है। तो गाइस मुझे पता है आप जिस चीज़ के बेकार वो है प्राइस। तो गाइस प्राइस की बात करें तो 2,88,000 है ऑन रोड, और इसकी जो है जो पहले जो पुराने ड्यू की जो प्राइस थी वो 2,84,000 थी। तो गाइस 4,000 रुपये डिफरेंस में आपको इतने सारे फीचर्स दिए गए KTM ने, तो काफी अच्छी बात है और वर्थ इट है गाइस। और गाइस उसके पहले जाते थे हम एग्जॉस्ट सुनते जाइएगा, तो गाइस हम एग्जॉस्ट सुनते हैं कि किस तरह का इसका एग्जॉस्ट है। तो गाइस हम ऑन कर लेते हैं, तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो गाइस इसका ये साउंड था। अभी मैं इसको रेव करता हूँ 4000 RPM पे, तो गाइस ये इसका इनिशियल साउंड था और रेव करने का जो साउंड था तो काफी अच्छा था गाइस। तो गाइस इतना ही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया था लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।